अजमेर की क्लॉक टावर थाना पुलिस ने ऑटो चालक से मारपीट व लूट करने वाले दो आरोपियों को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। क्लॉक टावर थाने के सब इंस्पेक्टर केशाराम ने बताया कि जिला भीलवाड़ा निवासी राजू पुत्र जमुना और उसके साथी बिनेनगर निवासी राजू पुत्र कैलाश ने 15 तारीख की रात को परिवादी टीकमचंद से मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद परिवादी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी अपने नशे के शौक को पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस बरामदगी के साथ ही उनके आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर पूछताछ में जुटी है। आज दिनांक 16/10/2022 को टीकमचंद पुत्र रामकिशन निवासी बजरूगंज ने रिपोर्ट पेश की थी। मैं रात को 11 बजे केसरगंज चक्कर पे खाना खाने के आया था। खाना खा के वापस जा रहा था तो सेंट एंथोनी के पास पे जा रहा था, पीछे दौड़ के दो लड़के आए, मुझे रोक कर मेरे साथ मारपीट की, मेरे मोबाइल फोन और छीन लिया और मुझे नीचे गिरा दिया। जी। मेरा मोबाइल फोन को छीन के ले गए। इनके मुलजिमों के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश की, दो मुलजिम राजू पुत्र कैलाश बागरिया और राजू पुत्र जमुना को गिरफ्तार किया। और मुलजिमों को पुलिस द्वारा आज सूचना का संकलन कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 12 घंटों में गिरफ्तार किया। सर कहाँ के रहने वाले हैं ये? एक तो भीलवाड़ा के रहने वाले, एक विजयनगर अजमेर के रहने। क्यों करते, क्या क्यों किए इन्होंने? नशे की आदी है, नशे के। पूछताछ करेंगे आगे पूछताछ जारी है। ठीक।